अमरजीत सिंह मान साहब का कोई भरोसा नहीं किस टाइम वो की कह देंगे। सो साडा मेंटली असी उन्होंने रल नहीं सकते, तो इस करके मैं स्ट्रोंगली कंडेम करता है जो मान साहब का बयान है। मान साहब बड़े सीनियर इंसान है, इन्नी उम्र है, IPS रहे हैं, तो एक जुम्मेवारी हुण मैंबर पार्लीमेंट बने हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के बयान देने चाहिए है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिदी कॉन्ट्रोवर्शियल। अज असी जिमें हर मैंबर पार्लीमेंट की जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम होंदियां उहदी रिव्यू मैंबर पार्लीमेंट करते हैं, तो उस बेसिस से मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दी जिन्नियां सेंसर सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम सी उहदा असी रिव्यू किया, तो सारा प्रोग्रेस की है, कितने फंड्स आए कितने नहीं आए है, सो सारा रिव्यू किया, तो असी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां है कि असी डेली रिपोर्टिंग चाहते हैं कि जिहड़े सेंटर का जिहड़ा पैसा आउंदा है वह सही बेनीफिशरी नूं मिले। कई बारी जिहड़ा शेयर स्टेट शेयर वो विच नहीं आ रहा, तो जिहदे करके वह स्कीम नहीं यूटिलाइज हो रही, तो स्टेट गवर्नमेंट नूं बेनती है कि जिहड़ा अपना शेयर है वह जल्दी देण। देखो असी पहले भी कहा सर सिमरजीत सिंह मान साहब का कोई भरोसा नहीं किस टाइम वो की कह देंगे। सो साडा मेंटली असी उन्होंने रल नहीं सकते, तो इस करके मैं स्ट्रोंगली कंडेम करदा जो मान साहब का बयान है। मान साहब बड़े सीनियर इंसान है, इन्नी उम्र है, IPS रहे हैं, तो एक जुम्मेवारी हुण मैंबर पार्लीमेंट बने हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के बयान देने चाहिए है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिदी कॉन्ट्रोवर्शियल।